मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को अपने बचपन के सहपाठी बाल सखा सुनीत सबरवाल का एक आर्टिकल सुनाने जा रही हूँ। इन्होंने एक बड़ी प्यारी सी कहानी हमारे पास भेजी है। ये कहते हैं, एक लड़का था, उसका नाम था सुनीत। तो सुनीत बड़े आराम से अपनी गाड़ी लेकर कहीं घूमने जा रहे थे। अचानक सामने से एक महिला की गाड़ी आई और उसकी गाड़ी से टकरा गई। अच्छा भाई, एक्सीडेंट हो गया। उसके बावजूद भी दोनों सुरक्षित बच गए, दोनों गाड़ी से बाहर आए। तो जो महिला थी उसने बड़े ध्यान से अपनी गाड़ी को देखा, जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, पूरी तरह उसका नुकसान हो गया था। फिर वो सामने की तरफ गई जहाँ सुनीत भी बहुत ध्यान से अपनी गाड़ी को देख रहा था। उसने देखा उसकी गाड़ी भी पूरी तरह कंडम हो चुकी थी, बेकार हो चुकी थी, टूट फूट गई थी। तो उस महिला ने कहा कि मेरा नाम कुसुम है। उन्हें मैं सुनीत कहा, देखूं भगवान की कृपा, देखूं आपकी गाड़ी भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और मेरी कार का भी कितना बुरा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उस परमात्मा की कृपा देखो, हम आप दोनों ही सुरक्षित हैं। सुनीत बोला, हाँ ये बात तो सही कह रही हूँ बिल्कुल। उसने देखा, ना मुझे चोट आई ना इस महिला को चोट आई। उसने आँख चौड़ी, हो हाँ बिल्कुल सही बात कह रही हो, हम दोनों देखो सुरक्षित हैं। तो बोली कि लगता भगवान की इच्छा है कि हमको आपको दोस्ती कर लेनी चाहिए, इसीलिए हम दोनों बच गए, नहीं तो हो सकता हम दोनों ही मर जाते। सुनीत ने कहा, बात तो सही कह रही हो, दोस्ती तो कर लेनी चाहिए। भाई रंगीन मिजाज का व्यक्ति, जहाँ महिला से दोस्ती करने का चांस मिले तो क्यों छोड़े। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, दोस्ती हो गई। तो उस महिला ने कहा कि रुको मैं भी आती हूँ। आदमी सोचे कि इतना इसका नुकसान हुआ, उसके बावजूद ये गुस्सा नहीं हो रही है और मुझसे दोस्ती करने की बात कर रही है। ठीक ही कह रही है, कोई बात नहीं, ये तो भगवान की कृपा, भगवान ही मिलाना चाहते होंगे, तभी इस महिला की ऐसी बुद्धि हो गई। तो उस महिला ने कहा, एक चमत्कार और देखेंगे आप, पूरी गाड़ी टूट फूट गई, आपकी गाड़ी भी टूट फूट गई, लेकिन मेरी गाड़ी के अंदर जो शराब की बोतल रखी है देखो, बिल्कुल सही सलामत है, बिल्कुल ही चकनाचूर नहीं हुई, जरा भी इसको नुकसान नहीं पहुंचा। तो सुनीत बड़े ध्यान से, हाँ बात सही कह रही हो, देखो बिल्कुल भरी शराब की बोतल रखी हुई है। उन्हें देखो आप भी बच गए, मैं भी बच गई और ये शराब की बोतल भी बच गई, कितनी खुशी बात है। तो चलो आज हम लोग की दोस्ती भी हो गई, हम लोग इसमें आनंद मनाते हैं, खुशी मना लेते हैं। उसने बोतल का ढक्कन खोला और सुनीत ने बढ़ा दिया, लो पियो आप। सुनीत ने गड़गड़ 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 उसको पीना शुरू कर दिया। आधी बोतल पी करके उसने कुसुम की तरफ बोतल बढ़ा दी, कही लो आप भी पी लो। उसने, नहीं मैं शराब नहीं पीती हूँ। सुनीत बोला, क्या शराब नहीं पीतू? अरे आजकल की सभी महिलाएं पीती हैं, किस जमाने में जीती है वो, पियो पियो। बोली, नहीं मैंने आज तक किसी हाथ नहीं लगाया, मैं शराब नहीं पीऊँगी। तो सुनीत बोला, छी धिक्कार है तुम्हारी ज़िंदगी को, थो शराब नहीं पीती हो, अरे बिना शराब की कोई ज़िंदगी है, पियो पियो। उन्होंने कहा, एक बार आप थोड़ा और पी लें। आधी तो उसने पी, तो थोड़ी और पी ली। भाई फ्री की शराब मिले तो भी क्या कहने, शराबी के लिए इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है। उसने और पी लिया और एक घूंट बचा तो उसमें लौटा दिया। उस महिला ने बोतल का ढक्कन बंद किया और अपनी सीट के नीचे उसको छुपा दिया और आराम से खड़ी हो गई। तो सुनीत बोला कि अब क्या करेंगे। उस महिला ने कहा, आप कुछ नहीं करेंगे, अब मैं पुलिस का इंतज़ार कर रही हूँ ताकि मैं बता सकूं कि शराबी ने नशे में मेरी गाड़ी ठोक दी। और उसने फटाफट अपना फ़ोन निकाला, नंबर डायल किया, 100 नंबर पर कॉल किया। तुरंत पुलिस आई, बोली क्या हुआ, बोले ये देखो। तब तक भाई शराब उसके शरीर पर चढ़ चुकी थी, लड़खड़ा रहा था, हमको तुम शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पहलाए गए।
बटुआ ने पकड़ा उसको, कहा देखिए कैसा शराब के नशे में धो के गाड़ी चलाते, मेरी पूरी गाड़ी का इन्होंने सत्यानाश कर दिया और अपनी भी गाड़ी सत्यानाश कर ली। पुलिस आई, 2-3 डंडे लगाई, पकड़ के ले गई थाने, बंद कर दिया। महिला को पैसा भी मिला, पूरी सुरक्षा भी मिली। तो कहे संपूर्ण नारी शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम है, वार्निंग चेतावनी भी देते हैं, बी वेयर बिफोर यू एक्सेप्ट एनी अट्रैक्शन ऑफर, कोई भी आपको आकर्षक प्रलोभन देता है तो पहले सावधान हो जाना कि आखिर ये प्रलोभन क्यों दिया जा रहा है। तो सुनील सबरवाल की ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सबको टाटा बाय बाय।